में पुट करके माइनस कर दो और s इज इक्वल टू 42 माइनस 28 42 माइनस 30 एंड 42 माइनस 26 रूट अंदर डाल दिए। नेक्स्ट स्टेप देखो, 42 माइनस करोगे तो 12 माइनस 8 4, 3 माइनस 2 1 यानी 42 माइनस 28 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट 2 और 4 माइनस 3 1 यानी 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 12, 42 माइनस 26 6 और 1 16। इस टाइप को का नंबर अगर फाइंड करना है तो आप मल्टीप्लाई नहीं करो, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। जैसे 42 को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 से 3 से 7 यानी 2 इंटू 3 इंटू 7। उसी ढंग से 14 को 2 इंटू 7 लिख दिए, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसा करने से क्या हुआ कि आप इसका स्क्वायर रूट आसानी से इजी से निकाल सकते हो। कैसे, वन पेयर से एक बाहर आएगा तो टू कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8, 2 इज इन 8 टाइम। तो अगर 8 2 रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो 4 2 होगा, तो बाहर 8 2 2 2 3 4 निकाल दिए, 2 का काम कंप्लीट। अब आते हैं 3 में, 1 टाइम्स 2 टाइम्स यानी 8 3 बाहर आ गया, 3 के बाद 7 है, 1 7 2 7 यानी 1 7 बाहर आ गया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ देने की जरूरत नहीं है, यही स्क्वायर रूट आपका फाइंड हो गया। प्रोडक्ट कर लो, 2 2 4 2 जा 8 2 जा 16 और इनटू 21। अरे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया फाइंड किए तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आया, ट्रायंगल का आया। अब आप इसी बेस पर एक पैरेललोग्राम है, मान लो ऐसा, इस टाइप से एक पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों का एरिया इक्वल है। कोई बताएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बताओ तो। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किए, एरिया ऑफ, हाँ बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में केवल बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 नहीं होगा, ट्रायंगल में होता है, ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल में। तो अब आप यहां क्या करोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 336 लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 336, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम
हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया, यानी दोनों का एरिया इक्वल है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नियम लिखे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अभी आप खुद बताए, बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 336, और दोनों पैरेललोग्राम एक ही बेस पर है, पैरेललोग्राम भी और ट्रायंगल में, तो एच इज इक्वल टू 336 बाय, और इसका बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, 28। एच इज इक्वल टू 336 बाय 28, ये कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा, इसको डिवाइड करेंगे 336 को 28 से, तो आपका 12 टाइम में डिविजिबल होगा, यानी एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर, बोलिए इट इज क्लियर, कहीं प्रॉब्लम इसमें, बोलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे। इसी एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 9, ए फिल इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, हुज पैरेलल साइड्स आर, हुज पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर, मीटर में है, यहाँ यूनिट मीटर में है, एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, 14 मीटर एंड 13 मीटर। Find the area of the film. Find
द एरिया ऑफ द फिन। अब आप देखिए सॉल्यूशन में हम एक ट्रापीजियम बना दिए, ए क्वाड्रेंटल होल्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी ट्रापीजियम ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस साइड इज नॉन पैरेलल साइड, ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल, इसको आप प्रोड्यूस करोगे आगे जाकर के मीट कर जाएगा। तो पैरेलल साइड्स आर 25 and 10 meters, तो दिस इज लॉन्ग साइड्स, सो ए बी इज इक्वल टू 10 meters एंड डी सी या सी डी इज इक्वल टू 25 meters and non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. ये आपका non-parallel side है, तो find the area of trapezium. Question is clear? Question आपका clear है? इसमें भी कहीं problem है? नहीं। तो यहाँ पर इस type का question solve करने के लिए एरिया पैराग्राम का क्या फॉर्मूला होता है बोलिए, एरिया पैराग्राम का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ ठीक है, तो देखो हम इसमें क्या किए कि जो नॉन पैरेलल साइड था एक 14 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए और डी तक नाम है, यहाँ नाम कर दिए ई। ठीक है, क्या नाम ड्रॉ कर दिए? नाम ई। हम इसका पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए, अगर आपका ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी ई ये पहले से है तो दिस क्वाड्रेटरल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। क्या ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम होगा? बोलो, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम और अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी ई, यानी दिस साइड इज 10 मीटर तो टोटल लेंथ इज 25, तो अगर ये 10 है ये क्या बचा? 15 मीटर। क्या बचा? ये 15, तब ना 15 प्लस 10 25, चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो दिस साइड इज 14, तो बी इज आल्सो 14 मीटर, बी क्या हो जाएगा? 14 मीटर। अब तुम क्या करोगे कि इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करोगे हीरोज फॉर्मूला से, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी का, थ्री साइड 14 15 एंड 13 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ई सी, तो एस इज इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15 बाय 2, 42 बाय 2 इज इक्वल टू 21 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल BEC, आप इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लो बी सी का, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस इज इक्वल टू 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, रूट अंडर 21 को
हम लिख सकते हैं 21 को लिख दो 7 into 3, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करते जा रहे हैं, और 21 minus 13 is equal to 8, 8 को लिख दिए 2 into 2 into 2, राइट लिख दिए, यहाँ 8 आया, 21 minus 14 7, यहाँ 7 रहने दिए, और 21 minus 15 6, 6 को लिख दिए 2 into 3, अब पेयर से निकालो 7 is 2 times, एक 7 आ गया बाहर, 3 is 2 times, एक 3 आ गया बाहर, और 2 is 1 2 3 4 times, तो 2 आ गया बाहर, तो 7 3 are 21 और इनटू 4 क्या हो गया, 4 और 8, 84 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक बताया, क्या आया 84 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। अब आप इसी, हम इस ट्रेपेजियम का हाइट फाइंड करना चाह रहे हैं, हाइट तो सभी पैरेलल साइड का एक रहेगा, इस हाइट को फाइंड करने के लिए, इस एच को फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी 84 मीटर स्क्वायर का हाफ इनटू बेस, ये बेस कितना है 15 है, तो 15 और यही हाइट फाइंड करेंगे, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 84, तो एच इज इक्वल टू 84 इनटू 2 बाय 15, 3 से 5 और 3 से काटोगे तो 2 6 और आपकी एच होगी 56/5, h इक्वल टू 56/5 मीटर, यही लाने दो, पॉइंट में नहीं निकालो। नाउ एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए बी सी डी इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट, ठीक है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 10 plus 25 और हाइट क्या निकाले तो 56/5, इसको सॉल्व करोगे (196 meters squared). इट इज क्लियर, और फिर कटा हुआ है।